पार्श्वनी शहर में पशु वैद्यकीय अस्पताल होने के बावजूद यहां के कर्मचारी अधिकारी समय पर नहीं आने से यहां आने वाले पशु मालिकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना इस अस्पताल में पशु मालिक अपने पशुओं को इलाज के लिए लाते हैं, पर यह अस्पताल 10 बजे के पहले नहीं खुलने से यहां पर अधिकारी और कर्मचारियों का इंतजार करना पड़ता है। जहां की इस अस्पताल का समय सुबह 8 बजे खुलने का है, फिर भी यहां पर अस्पताल 10 बजे के पहले नहीं खुलता, जिसकी वजह से पशु मालिकों को इंतजार करना पड़ता है। जहाँ गाय, भैंस, बकरी और बहुत से जानवर यहाँ पर पशु मालिक लाते हैं, पर उनका इलाज समय पर नहीं होने से अनेक पशु मालिकों को अपने पशु बिना इलाज किए वापस ले जाना पड़ते हैं। वहीं पशुओं का इलाज करने के लिए पशु मालिकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। जहाँ यहाँ पर डॉक्टर होने के बावजूद वह कभी भी समय पर इस अस्पताल में दिखाई नहीं देते, मनमर्जी चाहे जब आना और चले जाना, इस प्रकार का काम इस अस्पताल में चल रहा है। आए दिन आसपास के गांव कस्बों से पैदल चलकर किसान अपने बीमार पशुओं को इस अस्पताल में लाते, फिर भी यहां के कर्मचारी डॉक्टर यहां उपस्थित नहीं होने से उन्हें इंतजार करना ही पड़ता है। बहुत से किसान अपनी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को करने के बावजूद कोई इस ओर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से यहाँ के किसान पशु मालिक रोजाना परेशान होते हैं। इस अस्पताल का खुलने का समय सुबह 8 बजे होने के बावजूद यह अस्पताल 10 बजे खुलता है और यहाँ के डॉक्टर 10 बजे के पहले इस दवाखाने में नहीं आने से यहाँ आने वाले पशु मालिकों को डॉक्टर का इंतजार करना पड़ता है। शुक्रवार की सुबह पशु वैद्यकीय अस्पताल पार्श्वनी में पशु मालिक अपने पशु इलाज के लिए ले जाने के बाद वहां पर अस्पताल के दरवाजे पूरी तरह बंद थे और 9:30 बजे के पहले अस्पताल नहीं खुला होने से आखिरकार वहां मौजूद पशु मालिकों ने पत्रकार को बुलाकर हकीकत बताई। जहां गाय, भैंस, बकरी इलाज के लिए पशु मालिकों ने लाए थे, पर समय पर इलाज ना हो सकने के कारण इन पशु मालिकों को इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह से वहां पर पशु मालिक परेशान दिख रहे थे। इस बारे में डॉक्टर से बात करने पर डॉक्टर ने बताया कि अभी मैं भेजता हूं, पर आधा घंटा एक घंटा समय बीतने के बावजूद वहां पर कोई भी पशुओं का इलाज करने के लिए नहीं आने से पशु मालिक बड़े ही परेशान हो रहे थे। इस तरह का काम पार्श्वनी के अस्पताल में अनेकों महीने से चल रहा है, जिससे यहाँ के कर्मचारी अपनी मनमानी से इस अस्पताल को चलाने में लगे हैं। जहाँ इन्हें कोई टोकने वाला या बोलने वाला नहीं होने से इस अस्पताल का होना ना होना एक ही बात है। इस बारे में जिला परिषद के सभापति तपेश्वर वैद्य को जानकारी देने के बावजूद इस अस्पताल में सुधार नहीं होने से आखिर यहां आने वाले पशु मालिकों को अपने पशु बिना इलाज किए कई बार वापस ले जाना पड़ रहा है। इस तरह का आलम पार्श्वनी के पशु वैद्य की दवाखाने का दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ के कुछ कर्मचारी निजी प्रैक्टिस करने के लिए बाहर गांव जाकर प्रैक्टिस करते हैं और कमाई का साधन तलाश करते रहते हैं। अस्पताल होने के बावजूद यहाँ आने वाले जानवर को इलाज नहीं मिलता, इस तरह की बात पीड़ित पशु मालिकों ने कही। साथ ही कहा कि यहाँ पर नियमित पशु वैद्यकीय अधिकारी होना जरूरी है, फिर भी यहाँ पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं रहता, इस वजह से यहां पर आने वाले पशु मालिकों को रोजाना इस समस्या से निपटना पड़ रहा है। किसान पशु मालिकों ने मांग की है कि यहां पर नियमित पशु वैद्यकीय अधिकारी की नियुक्ति करें, वहीं अस्पताल अपने समय पर खुले, कर्मचारी समय पर इस अस्पताल में मौजूद हैं और आने वाले पशुओं को सही समय पर इलाज हो। इस तरह की मांग पार्श्वनी और आसपास के गाँव कस्बों के पशु मालिकों ने की है। लापरवाही कर रहे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मी 9 वाजता गाय आणली होती, 9 वाजता उघडायचा, मी 9 वाजता गाय आणली होती। गाय आणली असताना पाहिलं तर कर्मचारी नव्हते आणि दवाखाना बंद होता, आणि आता 10 वाजून राहिले, आता दवाखाना हा उघडण्यात आला आहे। एलएसएस म्हणजे डॉक्टर हजर नव्हता आणि त्याच्यानंतर आत्ता दवाखाना उघडण्यात आलेला आहे 10 वाजता। तर असेच काही बा आपलं, मी बिमार असताना मी इथं आलो, मला दवाखाना उघडा दिसला नाही, मग मी फोन केला डॉक्टर साहेबाला, म्हणजे डॉक्टर साहेब 10 मिनटात येतो बा म्हणे। 9 वाजता येतं हजर झालो, काहून का येतं कोणीच नाही होतं। 9 वाजता जातं, 9 वाजता मी येतं हजर झालो, मग गाय घरामध्ये पाल्लो राहून आलो, अजून कर्मचारी नाही, कोणी नाही आलं, काही नाही। 10 वाजता आता दवाखाना खुलला, मॅडम बी नाही, डॉक्टरीन गाय तर गरम आहे, तर आम्ही येथून वापस जाऊ शकतो कोणाकोण्या वक्तामध्ये गाय वापस घेऊन। आमचे गायचे आता अलग होऊन जाते, आणखीन डबल यावं लागते आम्हाला, तेवढं कोसावून बार कोस दुरून पाल्लो राहू, आम्ही हेच कामं करावं का बा।